नमस्कार, अंजा न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और खास खबर के साथ करते हैं। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जहां प्रदेशवासियों को 128 मिनी बसों की सौगात दी गई है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाई है और 14 बसों को मूलचंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। केंद्र सरकार से प्रदेश को मिली 128 मिनी बसें, पलवल को 5, गुरुग्राम को 9 बसों की सौगात दी गई है। बसों के बेड़े को रवाना किया जा रहा है और इसे और मजबूत किया जा रहा है। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर, जहां प्रदेशवासियों को 128 मिनी बसें दी गई हैं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेशवासियों को 128 मिनी बसों की सौगात देते हुए बल्लभगढ़ के बस डिपो से हरी झंडी दिखाकर इन्हें जनता की सेवा के लिए समर्पित किया और कहा कि रोडवेज की बसें गरीबों का जहाज है और आने वाले समय में प्रदेश में बसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही प्रदेश में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों की भी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज बहुत शुभ दिन है कि पूरे प्रदेश में 128 मिनी बसों की शुरुआत की गई है, जो गांव-गांव कॉलोनियों तक लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी सार्थक होगा, जिसका लाभ छात्राओं को भी मिलेगा। शुरुआत पूरे हरियाणा के आज बसों की हमने शुरुआत पूरे हरियाणा के 128 मिनी बसों की आज शुरुआत करी है। पूरे हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में, कॉलोनी में और बसों की शुरुआत होगी और ये बस पूरे हरियाणा में जब कॉलेजों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस नारे को भी साकार करेंगे और बस की पूरे हरियाणा में बसों की समस्या नहीं है और पूरे हरियाणा में बसों की आज हमने शुरुआत की है और आज हरियाणा रोडवेज में 4700 बस आने वाले समय पूरी होंगी और 375 बस इलेक्ट्रिकल बस आने वाले दिसंबर तक पूरी करेंगे। इलेक्ट्रिकल बस कहाँ स्टेशन होगा, कहाँ चार्जिंग स्टेशन होगा और जहाँ भी लोग बताएंगे अब उन्हीं रास्तों पर बस चलाने का काम करेंगे, बसों की कोई कमी नहीं रहेगी। नहीं, रूट ये बनाएंगे, जीएम उनके ट्रैफिक मैनेजर है, रूट बनाएंगे और जहाँ जहाँ डिमांड देंगे, जहाँ पे विधायक है, कोई जिला परिषद के हैं, चेयरमैन है या दूसरे लोग हैं, ये संस्थान जो बनाएंगे जहाँ से बसों के जहाँ सवारी मिले, जहाँ लोगों को आसान हो और ये गरीब का हवाई जहाज भी है, आम आदमी को एक स्थान दूसरे स्थान पहुँचाने काम करेगा और इसमें जितनी बसों की और भी हरियाणा में जरूरत पड़ेगी हम बसों की प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बसों की हम कोई कमी नहीं रहने देंगे और बहुत लंबे समय के बाद हरियाणा रोड में बसें शामिल। इलेक्ट्रिकल बस केंद्र की तरफ से 5000 बस हुई हैं और पूरे देश में हुई हैं और 375 बस हरियाणा को मिली है। हरियाणा में 375 कहाँ चार्जिंग स्टेशन होंगे, कहाँ कहाँ से भरेंगे, कौन सा जिला होगा, कौन सा शहर होगा, उसकी तैयारी हमारी दिसंबर तक पूरी है। इससे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा और ट्रैफिक में भी बहुत राहत मिलेगी। लोगों की बहुत डिमांड थी बसों को लेकर और मंत्री जी ने हमारे प्रदेश को आज बहुत बड़ी सौगात दी है। जो बसों को आज देख रहे हैं आप, बसों को उद्घाटन करके और हमारे जो लोकल एरिए हैं 22, 23, 55 गुड़गांव जाने के लिए इनको बहुत बड़ी सौगात मिलेगी, इनको बहुत फायदा होगा। इन लोगों को हमारे परिवहन मंत्री बल्लभगढ़ से विधायक पंडित मूलचंद शर्मा की तरफ से इतनी बड़ी सौगात पूरे हरियाणा को दी गई है, इतनी सारी बसेस दी गई हैं, लगभग 22 करोड़ के बजट से ये सारा व्यवस्थाएं की गई है। पूरा हरियाणा और पूरा बल्लभगढ़ शहर से बहुत खुश है और बहुत प्रभावित है। जितना काम बल्लभगढ़ शहर के अंदर विधायक जी ने और हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी ने किया, इतना काम भविष्य में मुझे तो लगता नहीं है कि कभी होगा और ना आज तक कभी इतना काम होगा। पूरी शहर की जनता इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है।